Kashmir Liberation Front. His name is Farooq Dar. His brown belt gives him the nickname Bitta Karate. He admits to killing 20 people, most of them Kashmiri Pandits. His three Muslim victims included a girl, Dolly, not older than 15. Discussing the murders he committed, did Bitta Karate have any regrets about killing innocent people? I was shocked to find the answer. Here's my report. There was a time when government became a hated word in Kashmir. There was a time when a handful of Kashmiri militants had brought the government down on its knees by nearly kidnapping one individual, Rubia Sayyid, daughter of the then Home Minister. There was a time when being a militant was the greatest act of heroism for the youth of Kashmir. In that climate, many lost their heads and many lost even their basic humanity. Bitta Karate was just one such case. He was among the first batches to cross over into Pakistan-occupied Kashmir and came back intent upon breaking this country. Why did he become a terrorist? Local administration ne hame bahut sataya hai. Ji? Local administration ne hame bahut sataya hai. Isliye tang aakar main usme gaya. To aap Hindustan ke dushman ban gaye? Ji. Yani local administration ne aapko aapki dekhbhal theek tarah nahi ki, to aap Hindustan ke dushman ban gaye. Aur aapne masoom logon ki jaane leni shuru kar di. मासूम लोगों की कहाँ जाने शुरू कर ली कहाँ उनकी जाने ले लिया हमने मुझे ऊपर से हुक्म मिलता था कौन देता था हुक्म इशफाक मजीद वानी कश्मीर लिबरेशन फ्रंट एरिया कमांडर इशफाक मजीद वानी टुक अ विलिंग बिट्टा कराटे अक्रॉस द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल टू पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर फॉर अ 32-डे ट्रेनिंग द पाकिस्तानीज डिड नॉट ट्रस्ट एनी वन ऑफ देम दे ब्लाइंड फोल्डेड देम ईच टाइम दे मूव टू अ डिफरेंट लोकेशन तो जो लोग आप पर इतना यकीन भी नहीं करते कि जहां ट्रेनिंग दे रहे हैं वहां को आंख पे पट्टी बांध के ले जा रहे हैं हर एक को ले जा रहे हैं हर एक को ले जा रहे हैं हाँ उन लोगों के लिए आप जान तक अपनी जान की बाजी लगाने को तैयार थे नहीं हमारे जहन में उसको क्या था कि हम कश्मीर को अलग करेंगे लिबरेट करेंगे वही हमें मतलब इधर से सिखाते थे जब भी आप किसी का मर्डर करते थे तो क्या हमेशा इशफाक मजीद वानी का ऑर्डर होता तब करते थे या अपनी मर्जी से भी कर सकते नहीं अपनी मर्जी से मैं किसी को नहीं मारता था ऊपर से ऑर्डर मिलता था लीडर ऑर्डर देते थे कि अच्छा ऑर्डर दे किसी को मार दो आप मार देते थे हाँ जी चाहे वो कोई भी हो कोई भी हो अगर वो कहता कि अपने सगे भाई को जान से मार डालो जी मैं तो मार देता अगर वो कहता अपनी माँ को जान से मार डालो मैं तो मार देता तो ये तो गुलामी से भी बदतर हालत हो गई आपकी नहीं गुलामी कहाँ मैंने कहा ना पहले हम जब ज्वाइन करता है कोई लड़का ज्वाइन होने से पहले वो हाल उठवाते हैं ये काम है अगर नहीं है तो आप जा सकते हैं वर्किंग फॉर द KLF Bitta Karate was so completely blinded by his anti-national sentiment that he had no hesitation in killing absolutely innocent people. नहीं मासूम मासूम नहीं है मतलब वो बेगुनाहों को नहीं मारते मतलब नहीं लेकिन आपको तो नहीं मालूम कि वो आदमी मासूम है कि गुनाहगार है नहीं आपको हुक्म दिया कि मार डालो आपने मार डाला He is not one of the most dreaded terrorists but he was a compulsive killer and we were after him for a long time because He committed some very gruesome murders in front of women and children and things like that. अच्छा आपने कितने लोगों की जाने ली? मुझे याद नहीं कितने लोग मारे। यानी आपने इतने सारे लोग मार डाले कि आपको ये भी नहीं याद कि आपने कितने लोग मार डाले? 10-12 हम मारे होंगे। 10-12 की 20? अब 20 ही है लगा जी 20 ही मारे हैं। सारे के सारे कश्मीरी पंडित थे कि कोई मुसलमान भी थे उसमें? मुस्लिम थे उसमें। कितने मुस्लिम कितने कश्मीरी पंडित थे? ज्यादा कश्मीरी पंडित थे जी क्यों ऐसा क्यों ऊपर से ऑर्डर मिलता था मैंने कहा अच्छा पहला पहला जिस आदमी को पहले पहले आपने जान से मारा वो कौन था पहला कत्ल कब किया आपने पहला कत्ल कब किया आपने पहला मर्डर मैंने सतीश को मारा सतीश कौन सतीश कुमार टिक्कू टिक्कू कौन था ये जो ऊपर से मतलब ऑर्डर दिया गया कि उसको हिट करो मैंने किया कौन था ये पंडित लड़का सिर्फ इसलिए कि पंडित था नहीं वो शायद आरएसएस का था तो क्या आरएसएस का होना किसी के लिए गुनाह है यानी अगर कोई आदमी आरएसएस का मेंबर हो तो आप उसे जान से मार डालेंगे मैंने कहा ना मुझे ऊपर से इंस्ट्रक्शन मिलता था कि फलानी को मारो अगर मेरी जगह किसी और को मिल जाता कि फलानी को मारो उसको मारना था जिस लड़के ने बिट्टा कराटे ने सतीश को जान से मारा उसके लिए आप क्या सजा मुनासिब समझते हैं क्या समझते हैं
बेटा तो मेरा कहां से वापस आएंगे क्या कहोगे? किस चीज से मारते थे आप? पिस्टल से। हमेशा पिस्टल से ही मारते थे या AK-47 से भी मारते थे? AK-47 से हम स्केट वालों पर एक्शन फायरिंग करते थे। अच्छा, और जब किसी एक आदमी को मारना होता था तो पिस्टल से? पिस्टल से। तो अकेले जाते थे कि दो तीन आदमी साथ होते थे? मैक्सिमम मैं अकेला जाता था। तो नकाब पहनी होती थी आपने? नकाब के बगैर। यानी लोग आपको देखते थे कि आप हैं जो जान से मार रहे हैं किसी को? जी। लोग पहचानते थे आपको? तो लोगों ने आपको पुलिस के हवाले नहीं किया? नहीं। इसका मतलब लोग आपको? लोग साथ देते थे। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि आपने जिस आदमी को मारना चाहा आपने कोशिश की लेकिन आप फेल कर गए? नहीं। जब भी आपने कोशिश की सफल हुए? जी सफल हुए। मैं जिधर निशाना चाहता था लगा उधर बराबर पहुंच जाता। तो इसमें क्या खासियत थी आपकी, मतलब क्या बात थी कि आप हमेशा सफल हो जाते थे? मतलब मसल पावर पे होते हैं, मसल पावर। पिस्टल सबसे टफ फायर होता है पिस्टल फायर, और पिस्टल फायर में मसल पावर अच्छी होनी चाहिए। और आप नजदीक जाके एकदम फायर करते होंगे? नजदीक नहीं, डिस्टेंस बहुत रखता था। कितना डिस्टेंस? 30 गज 20 गज। इतनी दूर से पिस्टल से मार देते थे? और क्या कहाँ निशाना ताकते थे, सर का कि दिल का? मैक्सिमम मैं सर का या हार्ट का लगा देते। तो जब लोग मर जाते थे या आपके सामने तड़पते भी होंगे तो आपको कभी ऐसा लगता था कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इंसान हूँ, इंसान की जान ले रहा हूँ? पहले भी लग रहा था, बाद में नहीं। द मैन हु बिट्टा कराटे फॉलोड ब्लाइंडली इश्फाक मजीद वानी सफर्ड अ वायलेंट एंड मच लाइक द काइंड ही हैड गिवन डजंस ऑफ इनोसेंट पीपल। इश्फाक मजीद वानी को कैसे मारा गया? वो तो काउंटर में मारा गया। एनकाउंटर में? एनकाउंटर में मारा गया। जेन्युइन एनकाउंटर था? जेन्युइन एनकाउंटर, मतलब सही एनकाउंटर था? सही एनकाउंटर। असली आदमी वो सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर फायर कर रहा था? नहीं, तो वो तो कवर पोजीशन में खड़ा था लेकिन लड़ रहा था सिक्योरिटी फोर्सेस से। बाकी जो लड़के थे वो लड़ रहे थे और उसने हैंड ग्रेनेड फेंकने की कोशिश की हथगोला इश्फाक मजीद वानी ने। जी, और इसके ऊपर फायर दो चार आ गए। लुकिंग बैक नाउ बिट्टा कराटे फील्स दैट पाकिस्तानीज हैव चीटेड हिम। उन्होंने कहा पहले जब मैं 88 में जब मैंने इन्फिल्ट्रेशन की तब उधर जब ट्रेनिंग की उन्होंने कहा कि आप अंदर से कुछ करो, जब लोग आपके साथ होंगे तो बाकी हम सब हम पर डालो। यानी पाकिस्तान हिंदुस्तान पे अटैक करेगा, जंग करेगा। तो फिर ऐसा तो हुआ नहीं? ऐसा तो नहीं हुआ। तो आपको कैसा महसूस हुआ? अब तो दुख हो रहा है बहुत। मतलब आपको ऐसा लगा कि आपके साथ धोखा हुआ? बहुत धोखा हुआ। आपको लगता है कि जो रास्ता आप अख्तियार कर रहे हैं, मिलिटेंट्स अख्तियार कर रहे हैं, गोली चलाने का, बम ब्लास्ट करने का, मासूम लोगों की जानें लेने का, इससे जो आपका मकसद है कि हिंदुस्तान को तोड़ दें, कश्मीर को अलग कर दें हिंदुस्तान से, ये पूरा हो पाएगा? मैं कह लूँ मुश्किल। मुश्किल है कि नामुमकिन है? मुश्किल है, मुश्किल भी और नामुमकिन भी है। तो फिर क्यों आप लोग ये रास्ता अख्तियार कर रहे हैं अगर आपका मकसद पूरा नहीं होने जा रहा है? अब मैं मेरे भाइयों को ये चाहिए कि वो गवर्नमेंट से बातचीत करें, जो मिलिटेंट है उनको ये चाहिए कि आप गवर्नमेंट से बातचीत करें क्योंकि उधर डकैती हो रही है, रैपस हो रहे हैं। क्या हो रहा है? रैपस हो रहे हैं उधर। रेप्स हो रहे हैं? जी। किसके? वो तो लड़कियों के रैपस हो रहे थे। कौन कर रहा है? पता नहीं कौन कर रहा है, मतलब हो रहे हैं ना, बहुत जुल्म हो रहा है उधर, डकैती हो रही है, गन पावर पर पैसे ले रहे हैं मिलिटेंट्स। मिलिटेंट्स और लड़कियों का रेप भी करते हैं मिलिटेंट्स? सब रेप भी कर रहे हैं। और लोगों के ऊपर ये भी दबाव डाल रहे हैं कि अपनी लड़की की शादी फलां से कर दो, अपनी लड़की की शादी फलां से कर दो? देखो उसके बारे में मुझे इल्म नहीं है, लेकिन ये आपकी जानकारी है कि मिलिटेंट्स लड़कियों को रेप करते हैं? जी कर रहे हैं। और जोर से पैसे भी, गन पॉइंट से पैसे भी ले रहे हैं। हाउ डज बिट्टा कराटे रिएक्ट टू द लार्ज स्केल सरेंडर बाय द मिलिटेंट्स? जो सरेंडर कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं जी। जो सरेंडर कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं? ठीक कर रहे हैं, ये ठीक कर रहे हैं। लेकिन जो बाकी मिलिटेंट्स हैं जो सरेंडर नहीं कर रहे हैं वो जीने देंगे इन लोगों को जो सरेंडर कर रहे हैं? उनको भी सरेंडर करना चाहिए लेकिन बातचीत करनी चाहिए। करना चाहिए तो अलग बात है लेकिन होगा क्या? मतलब क्या वो सरेंडर कर देंगे सारे के सारे मिलिटेंट्स जो इस समय 3,000 या उससे ज्यादा मिलिटेंट्स हैं वैली में? नहीं। तो असलियत में होगा क्या? मैंने कहा तबाही होगी। क्या सजा होगी आपकी? जो देंगे वो भी मंजूर है। क्या लगता है आपको क्या सजा होगी आपकी? हो सकता है उम्र कैद हो जाए, हो सकता है फांसी भी हो सकती है। ज्यादा क्या संभावना है, पॉसिबिलिटी क्या है? मेरे दिमाग से फांसी हो सकती है। आपको कबूल है फांसी? जी कबूल है। दिस मैन हु इज सो कैजुअल अबाउट किलिंग अदर पीपल क्लियरली सीज हिज ओन एंड इन अ मिसगाइडेड ग्लोरी ऑफ मार्टिरडम।
What kind of a cause is this that dehumanizes a man so much that he's willing to kill his own mother